अब तक हम ये बात कर रहे थे कि भारत का रुपया डिवैल्यूएट कैसे होता है, क्यों भारत को इतने डॉलर की आवश्यकता पड़ी कि जिसके लिए भारत का रुपया डॉलर के कंपैरिजन में एक डॉलर की कीमत 60 रुपये तक बढ़ती चली गई। उसके अगले वीडियो में हमने इस बात को समझा कि पूरे विश्व में भले ही भारत की जनसंख्या लगभग 17% है, फिर भी भारत का निर्यात लगभग 1.7% पूरे विश्व के बाजार में है। 18,000 अरब डॉलर के बाजार में भारत का निर्यात मात्र 309 अरब डॉलर है। लेकिन उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात, 309 अरब डॉलर का निर्यात करना शायद उतनी बड़ी बात नहीं है। वैश्विक स्तर पर तो ये देखा जा सकता है कि चीन भी हमारे ही जितना बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल हमारे ही आसपास है, परंतु फिर भी चीन का निर्यात 2170 अरब डॉलर का है, जबकि भारत का 309 अरब डॉलर का। माने भारत का निर्यात चीन के कंपैरिजन में, चीन की तुलना में 1/7 है। अब इसी बात को हम मात्र भारतीय परिवेश में समझने का प्रयास करते हैं। भारत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझने के लिए हम पिछले वर्ष के आंकड़ों को लेते हैं। भारत का एक्सपोर्ट माने निर्यात 309 बिलियन यूएस डॉलर का है और इम्पोर्ट माने आयात 479 बिलियन यूएस डॉलर का है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको अखबारों में समाचार मिलेगा कि भारत का निर्यात 300 अरब डॉलर के पार चला गया, 325 अरब डॉलर चला गया, या भारत के निर्यात ने एक नई ऊंचाई छू ली, ऐसे समाचार आपको अंग्रेजी के अखबारों में विशेषतः ज़रूर मिल जाएंगे जो हमारे देश की हेडलाइन बनते हैं। परंतु कभी भी ध्यान से देखिएगा तो पता लगेगा कि यदि भारत का निर्यात 10% बड़ा है तो हमारा आयात 20% बढ़ गया है। ये आयात का 20% बढ़ना समाचार पत्रों में कोने की हेडलाइन में कभी भी नहीं होता, ये उसके पूरे पैराग्राफ के अंत में कहीं पर लिखा होगा। जैसे 2012 के आंकड़े से मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारा एक्सपोर्ट है 309 अरब डॉलर का और हमारा इम्पोर्ट है 479 अरब डॉलर का, माने 180 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, विश्व व्यापार घाटा। अब जरा इस विश्व व्यापार घाटे को हम समझने का प्रयास करें कि कितना बड़ा आंकड़ा है 180 अरब डॉलर का। जिस समय मैं इस 180 अरब डॉलर को बदलने का प्रयास करता हूँ 60 रुपए के लिहाज से, तो मेरा ये जो आंकड़ा वो आता है 10,800 अरब रुपए, 10,800 अरब रुपए, इतने बिलियन रुपीस। और यदि मैं इसको कुछ नहीं करता, सिर्फ 125 करोड़ों से विभाजित कर देता हूँ, तो ये आंकड़ा आता है लगभग 8,640 रुपया प्रति व्यक्ति। एक छोटी सी कल्पना करें कि 8,640 रुपए का हमारा व्यापार प्रति व्यक्ति भारत के घाटा चल रहा है, और ये एक ही वर्ष का है मात्र। इतना घाटा हमको एक ही वर्ष में उठाना पड़ा है, इतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस की वजह से। अच्छा, एक बात और इसको समझने वाली बात है कि जो 180 बिलियन यूएस डॉलर आपका हो गया, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, परंतु जिस समय ये चीज 40 यूएस डॉलर पर थी, माने आज से 3 साल पहले, तब हमारा ये व्यापार घाटा भले ही 180 बिलियन यूएस डॉलर होता, परंतु इसका आंकड़ा जो 10,800 अरब रुपए आया है वो आंकड़ा लगभग 7,000 अरब रुपया होता। इसका मतलब प्रति व्यक्ति जो हम खर्चे, ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, जो 8,640 रुपये प्रति व्यक्ति है, वो भी इस क्षेत्र में कम हो करके लगभग 6,000 प्रति व्यक्ति आ जाता। तो डॉलर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा, एक हमारा डेफिसिट जो है 180 बिलियन यूएस डॉलर का, एक तो ये डेफिसिट बहुत बड़ा है, दूसरा इस डेफिसिट को उतना ही बड़ा कर दिया हमारे देश की करेंसी जब बदलती है, पहले 40 रुपए भी था 4 साल पहले, आज 60 रुपए का डॉलर हो गया, उसकी वजह से हमारे को दुगनी मार पड़ी है। तो कल्पना करेंगे एक एक्सपोर्ट, कहने को तो हमने कहा हमने 309 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, परंतु भूल गया कि हमारा इम्पोर्ट या आयात भी 400
$79 बिलियन का है, और इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमें इतना नुकसान भुगतना पड़ता है। और जितना हमारा ट्रेड डेफिसिट है, माने $180 बिलियन, हमको उतने ही डॉलर प्रति वर्ष चाहिए। जब चाहिए तो डॉलर की मांग जब हमारे तरफ से बढ़ेगी तो डॉलर का महंगा होना निश्चित है। जब तक डॉलर की मांग इस देश में बढ़ती रहेगी, डॉलर और बढ़ता जाएगा। जिस दिन डॉलर की मांग कम हो जाएगी इस देश में, डॉलर की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। यही हमें समझने की बात है। तो इस दूसरे वीडियो में हमने सिर्फ इस रूप को समझा कि $180 बिलियन कितना बड़ा आंकड़ा है, कि ₹8,640 प्रति व्यक्ति का खर्चा प्रति वर्ष हम इस देश में डाल रहे हैं। धन्यवाद।